So we are in the third class of LR. No issues. So we will do today odd one out. Give the heading odd one out. क्या कोई मुझे बता सकता है odd one out में सबसे important क्या होता है? Anyone fast? सर pattern ढूंढना. Pattern ढूंढना. मतलब सबसे अलग जो होगा उसको अपने को निकालना है. जैसे अपने रॉन्ग टर्म किए थे वैसे ही अपना ऑड वन आउट भी हो जाएगा. तो 9.1 में देखिए आप, 2 square, 3 square, 4 square, 6 square, 8 square, 10 square. तो इसमें से 9 अगर हम लोग देखेंगे तो 9 को छोड़ के बाकी सब क्या है? तुमने क्या टिक करेंगे? 9. वैसे अगर आप 9.2 देखेंगे तो 16 को छोड़ के बाकी सब क्या है? odd. तो हम लोग क्लियर नंबर्स के केस में odd one out कैसे निकालना है. अब 9.3 में देखिए, सभी तो ऑड नंबर है लेकिन 15 प्राइम नंबर. हेलो, मैं आपसे बात कर रहा हूं. 15 क्या नहीं है? प्राइम नंबर नहीं है सर, कंपोजिट नंबर. प्राइम नंबर नहीं है, वेरी गुड. नेक्स्ट वाला देखिए, 9, 36, 49, 81, 144. सब इसमें स्क्वायर है. 3 का स्क्वायर भी है, 6 का स्क्वायर भी है, 7 का स्क्वायर भी है, 9 का भी स्क्वायर है, 12 का भी स्क्वायर है. लेकिन तो इसमें से सब नंबर मल्टीपल भी है. देखा जाएगा तो सब एक दूसरे का मल्टीपल है. 9 का मल्टीपल है सिवाय एक के, 49 के. वी कैन से दैट ऑल एक्सेप्ट 49 आर मल्टीपल्स ऑफ 9 और मल्टीपल्स ऑफ 3. क्लियर. 9.4 को स्टार करके रखेंगे हम लोग. इजीली समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा. नाइन पॉइंट फोर तक क्लियर है? नाइन पॉइंट फाइव का आंसर क्या होगा? सभी परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन 200 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. यस सर.
यहां पे सभी परफेक्ट क्यूब है 49 को छोड़ के, नाइन पॉइंट सेवन देखिए, वन प्लस थ्री करने से फोर आ रहा है, थ्री प्लस फोर करने से सेवन आ रहा है, फोर प्लस सेवन करने से इलेवन आ रहा है, लेकिन सेवन प्लस इलेवन करने से एटीन आ रहा है, लेकिन 18 प्लस 11 करने से क्या नहीं आ रहा है? 29. तो आंसर गलत कौन सा हुआ? 27. अगर इसके जगह 29 होता तो 29 प्लस 18 करो 47. तो मैंने बोला था ना, अपने जो रॉन्ग टर्म किए थे उसकी तरह भी है ये, तो 9.7 को भी स्टार कर लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे अगर आप, तो मल्टीप्लाई किया हुआ है, वन इंटू थ्री इज थ्री, थ्री इंटू थ्री इज नाइन, नाइन इंटू थ्री इज 27, 27 इंटू नाइन इज दिट शुड बी, बट वो नहीं है ना, तो 729 इज द ऑड वन आउट। नेक्स्ट, टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर, फाइव स्क्वायर, सेवन स्क्वायर, नाइन स्क्वायर, इलेवन स्क्वायर, सब प्राइम नंबर का स्क्वायर है, लेकिन 81 इज नॉट अ स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर। नेक्स्ट, 9.10 ऑप्शन ए, क्योंकि दिस इज नॉट अ स्क्वायर।
टू स्क्वायर, फोर स्क्वायर, सिक्स स्क्वायर, एट स्क्वायर, टेन स्क्वायर, ये इलेवन स्क्वायर, तो 121 इज अ स्क्वायर ऑफ, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। सब प्राइम नंबर का क्यूब है, 9 का क्यूब 729, थ्री फोर्टी थ्री सेवन का क्यूब है, ठीक है, नाइन का क्यूब इज, तो सभी तो यहां पर टू थ्री फाइव सेवन एट, सिर्फ तुम्हारा इवन नंबर है, बाकी सब ऑड नंबर है। नाइन पॉइंट फोर्टीन में आ जाइए, टू का क्यूब, फोर का क्यूब, सिक्स का क्यूब, एट का क्यूब, नाइन का क्यूब, टेन का क्यूब, दिस इज ऑड नंबर, बाकी सब इवन नंबर है। नेक्स्ट वाला बताइए, कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर्स इन एडिशन है ना, यस सर, टू थ्री थ्री फाइव फाइव सेवन, तो सेवन के बाद इलेवन होना चाहिए था, यस सर, नेक्स्ट वाले में क्या होगा, ये वाला गलत होगा क्योंकि बाकी सब कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर है, ठीक है, यस सर, मैं बार बार बोल रहा हूं, ऑड नंबर में और प्राइम नंबर में कंफ्यूज मत होना, बहुत टेक्निकली करना ये सब, सबको नेक्स्ट, लास्ट वाला गलत होगा, टेन के बाद क्या आना चाहिए था, ट्वेल्व, वेरी गुड, उसके बाद नेक्स्ट वाला टू प्लस थ्री फाइव, कल मैंने बताया था ना कि प्राइम नंबर्स का कॉन्सिक्यूटिव एडिशन कर लो, पांच अठारह बारह, पांच आठ बारह अठारह चौबीस तीस, तो सोलह गलत है, यस सर, नेक्स्ट इसमें कौन सा गलत है, वन प्लस थ्री क्या होता है, फोर, थ्री प्लस फाइव एट, फाइव प्लस सेवन ट्वेल्व, सेवन प्लस नाइन सिक्सटीन, नाइन प्लस इलेवन ट्वेंटी, तो यहां गलत क्या होगा, फाइव फाइव,
यहाँ पर 2 + 4 = 6, 4 + 6 = 10, 6 + 8 = 14। हाँ बोलो बेटा। सर ये 9.19 में से ऐसे भी तो देख सकते हैं ना, ये 4 के मल्टीपल्स है सारे, 5 को छोड़। हाँ 4 का मल्टीपल्स भी बोल सकते हो तुम। ओके सर। 17 इज द रॉन्ग आंसर। अब बोलने वाला तो ये भी बोल सकता है कि सब में चार चार का गैप है, इसमें 3 का गैप है। यहां तक क्लियर है? यस सर। चलिए आगे करिए। ऑप्शन सी सर। क्यों सी क्यों होगा सर? मल्टीपल 77 होना चाहिए। तो हम लोग को क्या करना है, 1 से लेकर 100 तक का प्राइम नंबर लिस्ट करना है एंड इनका एडिशन, इनका प्रोडक्ट लिख लिख के प्रैक्टिस करना है ताकि हमको रेंज का आइडिया लग जाए। ठीक है? Yes, sir. 2 × 3 = 6, 3 × 5 = 15, 5 × 7, then 7 × 11 होना चाहिए ना? Yes, sir. अब आप बोल सकते हैं बीच वाला टर्म इज द एडिशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। बीच वाला टर्म इज द एडिशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। तो कौन सा गलत है? ये वाला गलत है ना? ये वाला गलत है। 285 सर। 285 गलत है। ठीक है, इसमें बताओ प्रोडक्ट है ना, मिडिल डिजिट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड डिजिट। तो कौन सा गलत है, लास्ट वाला? यस सर। इसमें सारा नंबर 11 हो रहा है लेकिन लास्ट वाले में 11 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लास्ट में 15 आ रहा है। क्लियर? यस सर। तो नंबर्स वाला क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो आगे बताओ। आप पहले जनवरी से लेकर दिसंबर लिख लीजिए और उसके बगल में नंबर ऑफ डेज भी लिख लीजिए। चलिए फटाफट जनवरी से लेकर के पूरा दिसंबर तक का लिख लीजिए। जनवरी 31, फरवरी में 28, 29 होता है लीप ईयर में, 31 30 31 30 31 31।
बताओ 10.1 का आंसर क्या होगा? फेब्रुअरी सर। क्यों सर? इसमें 28 या 29 है, बाकी में सब में 31 है। ऐसे बोलो ना बेटा, सब में 31 है, फरवरी में नहीं है। चलो वैसे 10.2 का बताओ, सब में 31 है सर, जून में 30 है। अब सब में 30 है, जुलाई में 31 है, बाकी बोलो 10.4 बताओ। सर सी। सर सी। सीजन होगा आंसर, क्योंकि सीजन में कोई फिक्स्ड एग्जैक्ट डेट नहीं है। फोर्टनाइट का मतलब देखो गूगल में क्या है, जल्दी बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्टनाइट? पीरियड ऑफ 14 डेज। नोट कर लीजिए, फोर्टनाइट का मतलब पीरियड ऑफ 14 डेज होता है। थोड़ा इसको देखिए, नेक्स्ट वाला सेट को, और मेरे को 2 मिनट दीजिएगा, ठीक है? क्या बोल रहे हैं, पहला वाला का आंसर क्या होना चाहिए? डी। क्यों? मीटर, यार्ड, माइल, सब डिस्टेंस मेजर करता है, और एकर एरिया, यूनिट ऑफ एरिया।
तो इतने सारे एग्जाम्पल्स करके हम लोग को क्या हो रहा है, ऑड वन आउट को लेकर के हम लोग का कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट आर्क डायगनल डायमीटर रेडियस, डायमीटर रेडियस आर्क सब सर्कल का पार्ट है लेकिन डायगनल किसमें होता है, रेक्टेंगल स्क्वायर पैरेललोग्राम इंच फुट यार्ड क्वाट ये सब डिस्टेंस के लिए होता है, क्वाट इज नॉट फॉर डिस्टेंस। चेक करो क्वाट किसके लिए होता है, चेक करिए यूनिट ऑफ वॉल्यूम, यूनिट ऑफ वॉल्यूम, नोट करते रहिए ये सब चीज। आपका नॉलेज बेस स्ट्रांग होना चाहिए अगर आपको ऑड वन आउट में अच्छा स्कोर करना है तो। नेक्स्ट स्क्वायर ट्रायंगल रेक्टेंगल क्यूब ट्रायंगल, बाकी सब 2D है, क्यूब इज 3D, बाकी सब 2D एंड ये 3D। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट चूज द ऑड वन आउट, सर्कल एलिप्स स्पीयर क्यूब, बाकी सब सर्कुलर फिगर्स है, क्यूब इज नॉट अ सर्कुलर फिगर। पिंड गलून लीटर ये सब वाटर के मेजरमेंट के लिए होता है, लिक्विड मेजरमेंट के लिए, लेकिन टन इज फॉर हेवी वेट मेजरमेंट। ओके यस सर। नेक्स्ट अंकल नेफ्यू ब्रदर कजिन, अंकल पापा का भाई, ब्रदर पापा का बेटा, ठीक है, कजिन पापा का भाई का बेटा और नेफ्यू मेरा कजिन का बेटा। भाई जो है ब्रदर वाला रिश्ता है, ये ब्लड रिलेशन है, बाकी सब पापा का भाई या पापा का बहन से रिलेटेड है, इसलिए ऑड वन में क्या हो जाएगा, ब्रदर। तो ब्रदर और कजिन का डिफरेंस पता है ना, ब्रदर मतलब मेरा अपना भाई और कजिन मतलब मामा मौसी चाचा बुआ, ये लोग का जो बेटा बेटी होता है वो लोग हम लोग का क्या होता है, कजिन। और अपना भाई बहन क्या होता है, सिबलिंग्स, अपना सिबलिंग्स होता है और दूसरा का क्या होता है, कजिन। कजिन ठीक है। नेक्स्ट मदर फ्रेंड सिस्टर फादर, तो मदर सिस्टर फादर तो एक सर्कल में आ गया और फ्रेंड किसके बाहर है, सर्कल के बाहर। यस सर। मदर अंकल आंट फादर, ठीक है, अंकल आंट फादर, अंकल मतलब चाचा हो गया, आंट मतलब भुआ हो गया और ये हो गया पापा। तो मम्मी तो दूसरे घर से आई है ना। यस सर। तो इससे आपका एक और जो चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, कौन सा चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशंस है ना सिलेबस में। यस सर। यस। तो आज बैठ के घर में सब डिस्कस कर लेना भाई, पापा मम्मी जिसको भी बैठाना बोलना हमको रिश्ता समझाइए, ये कौन हुआ दूर का चाचा। अभी दूर का चाचा क्या होता है, बेटा देखो ऐसे तुम्हारे दादाजी 5 भाई थे, ये वाले जो चाचा है ये तुम्हारे दादाजी के बेटे है और वो दूर के चाचा वो तुम्हारे दादाजी के भाई के बेटे है तो चाचा ही लेकिन वो बोलो भाई के बेटे, दूर का चाचा है, दूर का चाचा। अपना चाचा मतलब अरे अपना दादा का बेटा और दूर का चाचा मतलब दादाजी का कोई भाई भाई या दादाजी का जो कजिन भाई है उसका बेटा। समझ में आ रहा है? यस सर।
हम लोग को सबको ही अपना अपना फैमिली ट्री बनाना है, होमवर्क है सबका, सबको ही अपना अपना फैमिली ट्री बना के रखेगा कॉपी में, और जहां जहां फीमेल होगा वहां स्टार देगा, ठीक है, बना लेगा ना फैमिली ट्री? यस सर। चलो बढ़िया, अपना भी अपना साइड का बनाना, मम्मी का साइड मतलब चाचा भुआ वाला साइड का भी बनाना और मामा मौसी वाला साइड का भी बनाना। चूज द ऑड वन आउट, ग्रैंडफादर, अंकल, आंट, फादर, बोलो। अब इसमें बोलो, ये तीनों ही तो ग्रैंडफादर के बच्चे हैं? यस सर। ऑल एक्सेप्ट ग्रैंडफादर आर चिल्ड्रन ऑफ ग्रैंडफादर, अंकल, सिस्टर, ब्रदर, कजिन। तो सिस्टर, ब्रदर, कजिन, भले ही ये मेरा चचेरा भाई है लेकिन ये तीनों का लेवल तो सेम है ना? यस सर। आज जब राखी पे बहन आती है तो अपने भाई को भी बांधती है और कजिन को भी बांधती है, यस और नो? यस सर। लेवल तो सेम है, चाचा का बेटा है तो क्या हुआ, है तो अपना। लेकिन ये जो अंकल है ये रिश्ते में थोड़े बड़े लागे हैं, इनको आप तू तू करके नहीं बात कर सको। ही इज एट वन लेवल अप, पापा लोग के लेवल में आ गए ना? यस सर। चलो, बेटा, बेटी, नेफ्यू, ब्रदर, तो ब्रदर तो मेरे लेवल का है। यस सर। और बेटा, बेटी, भतीजा, तो भतीजा को मैं अपने बच्चे से कम समझू क्या? भतीजा भी मेरा ही लागे है। यस सर। सन, डॉटर, नेफ्यू, सिस्टर, सन, डॉटर, नेफ्यू, कजिन, तीनों सिमिलर टाइप का सम है, यस और नो? यस सर। नेक्स्ट, कजिन, अंकल, आंट, फादर, कजिन इज बिलो पार, अंकल, आंट, फादर एक लेवल में, सन इन लॉ मतलब जवाई, डॉटर इन लॉ मतलब बहू, बेटा और वाइफ। तो वाइफ तो मेरे लेवल पे है, एंड मेरा डिसेंडेंट कौन होगा? मेरा बेटा बेटी और उसका पति पत्नी। yes, आएगा ना? अगर बेटा का बात करूंगा तो बहू, yes, बेटी का बात करूंगा तो जवाई। Yes, sir. जो इज्जत तने जवाई ने देवे वही इज्जत थाने घर की बहू ने भी देनो पड़सी, यस और नो? यस सर। यस सर। सही बोला ना मैंने? हाँ जी सर। क्यों क्यों सही लग रही आपको मेरी बात? अरे सर जी, थे लेवल समझो, लेवल इज एट पार। जवाई का जो लेवल है बहू का भी लेवल वही है, सेम है सर। जवाई कंप्लेन कौन कर सका कि आप मेरे को बहू के लेवल पे क्यों रखे? अरे थारो लेवल भी वही है, बहू कुल लागे, बेटी बेटों को वाइफ, जवाई कुल लागे बेटी को हस्बैंड, तो लेवल तो एक ही होगो। मेरा ही बच्चा बच्ची का पति पत्नी है तो लेवल तो सेम होगो, यस और नो? यस सर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसीलिए मैंने कहा है आपको कि आप सब कोई अपना अपना क्या बनाएंगे? फैमिली ट्री। फैमिली ट्री, एंड आप लोग लेवल मेंटेन करेंगे, पापा मम्मी, चाचा चाची, ताऊ ताई, भुआ फूफा, ये सबका लेवल एक होगा, हायरकी में होगा, एक ही हायरकी में होगा।
तो पहले पूरे रिश्ते समझ लियो फैमिली ट्री बनाने से पहले, क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट, वो खत्म होगी। चलो, शरीर का हिस्सा आ गया, ईयर, फेफड़ा, आंख, दिल। आंख थे देख सको, ईयर भी थे देख सको, दिल सिर्फ एक होता है, बाकी सब ईयर में होते, दो 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 होते हैं, दिल सिर्फ एक। और देना किसको चाहिए, एक को कि बहुत को? लाइफ लेसन, मॉरल वैल्यूज। टंग एक, लीवर, लंग, हार्ट, सलंग, एक एक एक, ये दो होता है। शोल्डर, फुट, एल्बो, आर्म। फुट तो पांव का पार्ट हो गया, नी, फुट, एंकल, फिंगर्स, फिंगर, फुट, नी, एंकल, फिंगर्स, ऑल एक्सेप्ट आर पार्ट्स ऑफ लेग। बट मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए, फिंगर्स होना चाहिए ना। फिंगर्स तो इसको बोलते हैं ना। यस सर। ईयर, नोज, टंग, थ्रोट, ये तीनों तो मेरे को लगता है फेस का पार्ट हो गया, और ये नेक का पार्ट है। यस सर। मतलब ऑल एक्सेप्ट थ्रोट आर सेंस ऑर्गन्स। कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे, मतलब बॉडी पार्ट्स के बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। वो लाइफ साइंस का एक डायग्राम है ना, याद है जो बचपन में सिखाया था पूरा ह्यूमन बॉडी पार्ट्स का, वो एक बार देख लेना। फिंगर्स, पाम, नी, व्रिस्ट, तो नी तो पाँव का पार्ट होता है, बाकी सब हाथ का, हाथ का पार्ट है। नेक्स्ट, चलिए 14 नंबर वाला ट्राई करिए, ज्यादा नहीं बचा है, थोड़ा सा ही है, हो जाएगा आज हम लोग का आराम से, छोटा छोटा है सब। टोटल 30 नंबर तक है ना, थोड़ा सा आप बनाइए खुद से, जहां प्रॉब्लम होगा मेरे से पूछिए। चलिए स्टार्ट करिए, आप बनाएंगे तो फटाफट बनेगा। 14 नंबर ट्राई करिए, जहां प्रॉब्लम होगा मेरे से पूछिए। We are in problem set 14. We are in problem set 14. फोर्टीन पॉइंट वन क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। लेकिन यही अगर ऑयल की जगह घी मेंशन करता तो घी किसका प्रोडक्ट है? घी किससे बनता है? बटर सर। मिल्क से बनता है ना, मक्खन से? यस सर। ध्यान रखना ये चीज। रबी क्रॉप क्या होता है, खरीफ क्रॉप क्या होता है, सब देख लो।
स्पाइसेस ड्राई फ्रूट, पल्सेस मिलेट, ये सब पे फोकस करो। फोर्टीन फिफ्टीन करिए। Are we done with section 14? Any doubts? Yes. Yes, sir. Doubt hai? No, sir. 15 kariye noise sum hai. Aur 16 mein to 5 hi hai. सबके पास ये वाला पीडीएफ है ना? यस सर। चलो बढ़िया। बाकी सब जूसी फ्रूट्स है। बनाना इज अ ड्राई फ्रूट, मतलब ड्राई मतलब बिना बिना जूस का। बनाना शेक हो सकता है। पाइनएप्पल, कैश्यू, एप्पल। कैश्यू इज अ ड्राई फ्रूट। कैप्सिकम वेजिटेबल में आएगा, पोटैटो वेजिटेबल में आएगा, वाटरमेलन जमीन में उगता है नीचे ग्राउंड से, कैरेट, पोटैटो, टोमेटो, जिंजर सब नीचे होता है, टोमेटो पेड़ पे होता है, ट्री प्लांट। टोमेटो, कुकुम्बर, पीस कैन बी ईटन रॉ, बट आलू को कोई कच्चा नहीं खा सकता। वेरी गुड क्वेश्चन, 15.7 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आज आप लोग घर बहुत सारा जनरल नॉलेज लेके जाएंगे।
हुआ 15.9 तक सबका। हेलो यस सर। 16 तो स्टोन वगैरह के बारे में, जीवन में क्या चाहिए आपको, सोना या चांदी कि तांबा? गोल्ड सिल्वर। सोना चांदी से हो जाएगा आपका, प्लैटिनम भी तो अच्छा ही होता है, लेकिन ब्रास इज एन अलॉय। ग्रेफाइट इज नॉट अ प्रीशियस स्टोन, बाकी सब लोग पहनते हैं इसको हाथ में। पर्ल को छोड़ के बाकी सब फॉर्म्स ऑफ कार्बन है। मर्क्यूरी इज अ मेटल, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। 16.2 16.5 कैन बी टेकन एज सेम। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोट, डॉग, शिप, काउ, क्या आप डॉग को चराने लेके जाते हैं? नो सर। नो। क्या गधे के सिंह होते हैं? नो सर। टाइगर, चीता, लियोपार्ड, ये सब एक फैमिली का है। गौ माता, जय जिंदाबाद। बफेलो, स्टैग, कैमल, राइनासोरस, कैमल के हॉर्न्स नहीं होते हैं। तो व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव टू ऑब्जर्व, एक तो हॉर्न्स, एक स्पीसीज के टाइप्स, एक हॉर्न, एक स्पीसीज के टाइप्स, बर्ड्स, उसको क्या बोलते हैं जो बहुत डेंजरस होता है? अरे बोलो ना, जो बहुत डेंजरस होता है। सर प्रेडेटर। क्या बोल रहा है? प्रेडेटर क्या होता है ये सर? एक शायद वो होता है ना जो शिकार करता है। ना ना, क्या बोलते हैं उसको जो बहुत खूनकार होता है? ये सब थोड़ा देख लीजिएगा कौन कौन मैन ईटर्स है। एक तो कार्निवोरस, हर्बीवोरस होता है। थोड़ा सा मतलब एनिमल जाति के बारे में समरी ले लीजिएगा कौन, ठीक है? यहां तक डन है? यस सर। आगे बढ़े हम लोग? यस सर। यस सर। मुझको ड्वेलिंग का मतलब बताओ।
प्लेस टू लिव इन, अ प्लेस टू लिव इन, स्कूल में रहने जाते हैं क्या हम लोग? हाँ पढ़ने जाते सर, पढ़ने जाते हैं। बोलेगा सर मेरा तो रेजिडेंशियल स्कूल था, हम लोग तो वहीं रह जाते थे, स्कूल में नहीं रहते थे हम लोग, हॉस्टल में रहते थे। इज इट राइट? यस सर। वेरी गुड। हॉस्टल, मोटल, होटल, क्लब में रहने जाते हैं कि डीची पार्टी करने जाते हैं? बोलिए। पार्टी सर। वो क्लब खाली पार्टी के लिए होता है क्या? ये सब जो इतना सारा बना हुआ है, हिंदुस्तान क्लब, पंजाब क्लब, ये सब में खाली पार्टी होता है क्या? अगर हम किसी क्लब के मेंबर है तो उसमें खाली डिंची डिंची पार्टी होता है कि और भी एक्टिविटीज होते हैं? सर बेसिकली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है क्लब। क्लब इज बेसिकली जहां पे मेंबर्स मिलकर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज ट्राई करते हैं। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब पानी के बारे में, पॉन्ड, लेक, रिवर, ओशन, लेक, सी, वाटर, रिवर, लेक, सी, रिवर, पूल। पूल में स्टैग्नेंट वाटर रहता है, लेक में भी स्टैग्नेंट वाटर रहता है, सी में भी स्टैग्नेंट वाटर रहता है, रिवर में इट कीप्स फ्लोइंग। सन, मून, स्टार, यूनिवर्स, ये सब यूनिवर्स का पार्ट है। वेरी गुड। माउंटेन, वैली, ग्लेशियर, कोस्ट। ग्लेशियर मूव करता है, माउंटेन मूव नहीं करता, वैली मूव नहीं करता है, कोस्ट मूव नहीं करता है। नेक्स्ट, सर टाइटन। क्यों? बाकी सब प्लैनेट्स है। प्लैनेट्स है। टाइटन हमको लगता है एस्ट्रॉइड का नाम है। देखो तो, व्हाट डू यू मीन बाय टाइटन इन यूनिवर्स? टाइटन इज द लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न। टाइटन इज द लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न। लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न। मून, मून चांद ना? यस सर। क्योंकि हम पढ़े थे, हमको ध्यान नहीं था बस। नेक्स्ट बोलो। मून। क्यों मून? क्यों सर? नेचुरल सैटेलाइट है। वेरी गुड। 19 तक क्लियर है? यस सर। चलिए 20 करिए, छोटा सा ही है, 20 भी खत्म करना है, एकदम थकिए मत। 2-3 मिनट का ब्रेक चाहिए तो ले लीजिए, आज हम लोग को खत्म करना ही है।
बाकी सब यूनियन टेरिटरीज है, ये नहीं है। रामेश्वरम हिल स्टेशन नहीं है, मथुरा इज नॉट सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा। गंगा। गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल सब में सी कोस्ट है, लेकिन यूपी बीच में है, यहां कोई सी कोस्ट नहीं है। नहीं है। मणिपुर, सिक्किम, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप ये यूनियन टेरिटरी है, बाकी सब स्टेट्स है। त्रिवेंद्रम, बैंगलोर, भुवनेश्वर, आगरा ये सब कैपिटल्स है। आगरा इज कैपिटल नॉट अ कैपिटल। ऑफ नेक्स्ट, ट्वेंटी वन वाला करिए। ट्वेंटी वन, ट्वेंटी टू करिए, डाउट्स पूछिए। नाना, क्राइस्ट, बुद्धा, गांधी। गांधी वॉज नॉट फाउंडर ऑफ अ रिलीजियन। बीरबल, तोदरमल, तानसेन, फाउ अहमद, बाकी सब अकबर के कोर्ट के थे। जस्ट गो थ्रू कर लीजिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी पूछ दिया तो मार्क्स क्यों लूज करें हम लोग। जस्ट गो थ्रू दिस 21 वाला पार्ट, जस्ट गो थ्रू, रीड वंस। ट्वेंटी टू, लिसन, स्विम, वॉक, क्लाइम। सुनने में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। सेमिनार, सेमी कोलोन, सेमी फाइनल, सेमी सर्कल, ऑल एक्सेप्ट सेमिनार में हाफ। स्विमिंग, डाइविंग, ड्राइविंग, सेलिंग, ड्राइविंग, एडवाइस, काउंसिल, सजेस्ट, डायरेक्ट। आई थिंक डायरेक्ट होना चाहिए इसमें, बाकी तीनों सिनोनिम्स है। ट्वेंटी रेज्यूम, एडमिट, कॉन्फेस, डिपेंड। बाकी सब सिनोनिम्स है। करेक्शन, इंप्रूवमेंट, बेटरमेंट। ठीक है, दिस इज रिलेटेड टू कलर्स।
पहला वाला का आंसर क्या होगा? ऑरेंज नहीं है ना इंडियन फ्लैग में, नेक्स्ट में पिंक इज नॉट सीन इन रेनबो। ग्रीन रेड येलो आर ट्रैफिक सिग्नल कलर्स। ठीक है प्रॉब्लम 23.1। रोज, लोटस, मैरीगोल्ड, लीली। लोटस तो पॉन्ड में होता है ना, यस और नो? यस सर। नेक्स्ट, वुड, कॉर्क, स्टोन, पेपर। स्टोन। पिस्टल, शॉट, गन, राइफल, बाकी तो फायर आर्म्स है, शॉर्ट नहीं है। ब्लेड, एक्स, सीजर्स, नीडल। नीडल से कुछ कटेगा नहीं, नीडल जोड़ता है चीजों को। चूज आउट एक्सरे, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन। तो एक्सरे इज नॉट अ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इट्स अ रेडिएशन मीडिया। एरो, मिसाइल, शॉट, बुलेट, इसमें क्या होगा बोलो? Sword. क्यों सर? बाकी जो फायर होते ना, मतलब मिसाइल, बुलेट और एरो, एरो में फायर मतलब सर जाते हैं ना वो टारगेट पे। ऑल एक्सेप्ट शॉट विल स्ट्राइक द टारगेट एट अ डिस्टेंस। शॉट तो ऐसे ऐसे चलाने का होता है ना, यस सर, एट अ क्लोज डिस्टेंस। इसको भी मार्क करके रखो, ठीक क्वेश्चन था ये। पियानो, टाइपराइटर, कंप्यूटर, कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर, पियानो, टाइपराइटर, ये सब म्यूजिकल नहीं है, लेकिन पियानो क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट, बुक, पेपर, पेंसिल, पेन। पेपर, पेंसिल, पेन आर स्टेशनरी आइटम, बुक इज नॉट अ स्टेशनरी आइटम। एक स्टाफ रूम में टीचर बैठता है, प्रिंसिपल बैठता है, लेक्चरर बैठता है, स्टूडेंट क्लासरूम में बैठता है। पेन, कैलकुलेटर, पेंसिल, इंक। कैलकुलेटर इस कैटेगरी में नहीं आता है, बाकी सब राइटिंग मटेरियल है। जो लोग इंक पेन से लिखता है वो लोग को क्या चाहिए? पेन में इंक चाहिए ना? यस सर। ज्योमेट्री, अलजेब्रा, अरिथमेटिक, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स, बाकी सब ब्रांच है इसका। फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी। ज्योग्राफी। रामायण, महाभारत, उपनिषद, पंचतंत्र। पंचतंत्र को छोड़ के बाकी सब क्या है? रिलीजियस बुक्स है। ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, अथर्वेदा, आयुर्वेदा। आयुर्वेदा इज नॉट एनी होली स्कल्पचर, इट्स अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन। ब्रिक, हार्ट, स्पेट, क्लब। अब एक और चीज में क्या होता है? स्पेड हो गया, क्लब हो गया, हार्ट हो गया, डायमंड होता है ना। ब्रिक बोल के कुछ नहीं होता है। जैक, क्वीन, किंग, एस, क्योंकि जे क्यू के क्या होता है? फेस कार्ड्स होता है। ठीक है 28.1 का बताओ।
सर बार बार क्यों बार बार क्यों? सर बाकी सब कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं रॉ मटेरियल से। वेरी गुड, बार बार होगा। नेक्स्ट, पेंटर कैनवास कलर ब्रश। एक पेंटर ये बाकी चीज को यूज करता है, कैनवा कलर ब्रश। ब्रोकर सेल्समैन कस्टमर हॉकर, कस्टमर से तो अर्न करता है ये लोग। ठीक है, नेक्स्ट। टेबल कपबोर्ड चेयर पेपर वेट। पेपर वेट तो ये सब के ऊपर रखा जाता है, टेबल के ऊपर ये सब चीज में, तो पेपर वेट इज नॉट फॉलिंग, ऑड वन। चेयर बेंच टेबल स्टूल। टेबल, टेबल पे लोग चीज रखते हैं, बैठते नहीं है। अलमीरा रैक सेफ कपबोर्ड। रैक छोड़ के बाकी चीज कैन बी क्लोज्ड। शू रैक, ओपन जो होता है उसको रैक बोला जाता है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट। सिगार सिगरेट टोबैको हुक्का। टोबैको का ये सब पार्ट्स है, कॉटन जूट सिल्क नाइलन। नाइलन नेचुरल फाइबर है, बाकी सब सिंथेटिक है। कथकली डिस्को, गरबा कथक। डिस्को इज नॉट अ टाइप ऑफ डांस। हिंदी सिंधी उर्दू उड़िया। उर्दू छोड़ के बाकी सब इंडो आर्यन लैंग्वेज है। वेजेस ऑनरेरियम सैलरी। पॉकेट मनी एफ सेपरेट हो गया ना। यस सर। कॉट शीट क्विल्ट पिल्लो। कॉट को छोड़ के बाकी सब क्या है? व्हाट इज कॉट? सर्च करके बताओ फटाफट, व्हाट इज कॉट? सर्च करके बताइए। ब्रेड टाइप ऑफ ब्रेड टाइप ऑफ बेड बेड है ये, एंड बाकी सब क्या है? क्लोथ्स है। सर। ठीक है, लास्ट वन। कमांडर कमोडोर ब्रिगेडियर एडमायरल। बाकी सब नेवी का है। ब्रिगेडियर इज अ रैंक इन आर्मी। आर्मी। क्लियर? यस सर। आज हम लोग पेज यस नंबर सर। 1.42 मतलब 1.41 तक ही है। अब आपको कहां तक है, होमवर्क देख लीजिए। आपका होमवर्क नोट करिए, एकदम भी मजाक नहीं, ज्यादा नहीं है, देख लीजिए। क्या हम लोग को डायरेक्शन स्टार्ट करना है नेक्स्ट क्लास में, यस सर। तो क्या हम लोग पेज नंबर 1.48 तक पूरा कंप्लीट कर लेंगे? यस सर। पक्का? यस सर। अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोग कल से नया चैप्टर स्टार्ट करें। इसका नाम क्या है? डायरेक्शंस। क्लियर? यस सर। चलिए, थैंक यू।